नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। आपको बता दें, एंटी करप्शन टीम की निरीक्षक एकता त्यागी के नेतृत्व में रामजन गौतम को एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा। शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार गुप्ता कराची खाना थाना फिलखाना की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसी तरह शहर में कई अन्य दरोगा व पुलिस इंस्पेक्टर पर फर्जी मुकदमे में घूसखोरी करके जेल भेजने के आरोप लग चुके हैं, परंतु गहराई से जांच नहीं की गई। अभी कुछ दिन पूर्व आदेश सभी अखबारों में सोशल मीडिया में प्रकाशित हुआ कि पुलिसकर्मी 3 साल से ज्यादा एक जगह पर एक शहर में नहीं रहेंगे। कानपुर शहर के अंदर कई साल से पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर दरोगा आज भी तैनात हैं, उन्हें नहीं हटाया गया। यहां तक कि एसीपी स्तर के एक अधिकारी 6 अथवा 7 साल से शहर में आज भी तैनात है। पूर्व में भी थाना प्रभारी के ऊपर लग चुके हैं पैसे लेने के आरोप। एंटी करप्शन की टीम ने आज रंगे हाथों पकड़कर पूछताछ कर रही टीम। आइए जानते हैं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने क्या कहा। कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कानपुर में कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी कलेक्टरगंज रामजन्म गौतम किसी एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से यह कार्रवाई की है। उन्हें कोतवाली थाने लाया गया है। वर्तमान में उन्हें पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निलंबित किया जा रहा है और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई तत्काल शुरू की जा रही है।